फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एनडीआर की टीम ने 3 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, 45 किलोग्राम गांजा बरामद किया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित किए गए संकलित उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर शोर से काम कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी समय समय पर सभी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का व ड्रग्स के खतरे को जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प पर लगातार जोर दिया। माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में व दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए कठिन प्रयास किए गए। वहीं निरंतर प्रयासों से सूचना मिली कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ड्रग्स तस्कर बहुत सक्रिय हैं और वह कॉलेज जाने वाले छात्रों को ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं, छात्रों का जीवन खराब कर रहे हैं। अपराध शाखा द्वारा इस तरह के ड्रग तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं एनडीआर क्राइम ब्रांच की टीम ने मणिपुर और थाईलैंड से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में गांजा व जैविक गांजा की तस्करी में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 3 सदस्य हैं। पहला नोक मैथम जमो वता सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स मोतीनगर का है। दूसरा टीएम रविकांत सिंह, उम्र 32 वर्ष, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स मोतीनगर का है। तीसरा रुद्रांश गुप्ता, उम्र 33 वर्ष, निवासी सेक्टर 31 गुड़गांव हरियाणा का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 48 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा और 100 ग्राम जैविक गांजा बरामद किया है। इस संदर्भ में एक मामला दर्ज किया जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 260/23 धारा 20 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आगे स्पेशल सीपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक ड्रग तस्कर गिरोह जो डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स मोती नगर दिल्ली स्थित एक घर से एनसीआर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले गांजा चरस जैविका गांजा की आपूर्ति कर रहा है। ये गिरोह मणिपुर और शिलोंग से रेलवे मार्ग द्वारा गांजा व फुकेट थाईलैंड से हवाई मार्ग द्वारा जैविक गांजा की तस्करी करता है। अगर समय रहते कार्रवाई की जाए तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद एक टीम बनाई गई थी जो कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के निर्देश पर एसीपी उमेश पटवाल की देख रेख में इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम बनी। इस टीम में एसआई अमित ग्रेवाल, उप निरीक्षक अनुज कुमार, एएसआई विकास, एएसआई अशोक, हेड कांस्टेबल रविंदर, हेड कांस्टेबल दिनेश राहुल व कांस्टेबल सत्यवान इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।